मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके बताने वाला हूँ YouTube पर वीडियो अपलोड करने के। पहला तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड दूसरा तरीका वो है जिससे मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, एंड ये दोनों तरीके से आप वीडियो को सही तरीके से अपलोड कर सकते हो। अगर आपने कुछ टाइम पहले ही YouTube पर चैनल क्रिएट किया है तो आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। वेरीफाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई प्रोमिस अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप आसानी से वीडियो को अपलोड करना सीख जाओगे सही तरीके से। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। YouTube ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन आपको अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है, देन आपको जो भी वीडियो अपलोड करना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप वीडियो पर क्लिक करो सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप यहां से वीडियो को आगे पीछे भी करके देख सकते हो, आपकी मर्जी है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन। यहां से आप टैग्स नहीं लगा सकते और यहां पे आपको विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखना है। और यहां पर क्लिक करके आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके किसी भी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने चैनल्स पर ये सब प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और यहां पर क्लिक करके आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, कहीं की भी लोकेशन आप ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो के नीचे। लाइक आप व्लॉग वगैरह बना रहे हो एंड कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो तो वहां का लोकेशन आप यहां पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। टाइटल लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसको आपको ध्यान से समझना है, अगर आपका वीडियो किड्स से रिलेटेड है, बच्चों को दिखाने वाला वीडियो है, तो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो ये वीडियो बच्चों के पास जाएगा। और अगर बड़ों के लिए है, सबके लिए है, तो यहां पर क्लिक करो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। मैं हमेशा यही सिलेक्ट करता हूं। देन आपको यहां पर क्लिक करना है एंड उसके बाद अगर ये वीडियो 18 से कम एज वालों के लिए नहीं है तो आप यहां पर क्लिक करो नो डोंट रेस्ट्रिक्टेड माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। तो भाई मेरी वीडियो तो ऐसी है, 18 वाले देखो या 18 से कम वाले देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। देन यहां पर क्लिक करके सी वीडियो पर क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी वीडियो अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। तो वीडियो अपलोड हो चुका है, देन आपको क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करना है। तो अभी तक वीडियो को प्रोसेसिंग चालू है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, तो यहाँ पे अभी तक पेंडिंग है। तो वीडियो को प्रोसेसिंग होने में टाइम लग जाता है कभी कभी, तो वीडियो को मैं अपलोड होने देता हूँ। पहले 2-3 मिनट हो चुके हैं एंड अभी तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो फाइनली प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। YouTube से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है प्रोसेसिंग होने में। तो स्टूडियो में आने के बाद आपको एडिट वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, मोनिटाइजेशन ऑफ या ऑन, अगर मोनिटाइज है आपका चैनल तो यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हो, एंड यहां पे प्लेलिस्ट, एंड यहां पर क्लिक करके आप अपनी वीडियोस में टैग्स लगा सकते हो, एंड कैटेगरी पर क्लिक करके आपका वीडियो जिस भी कैटेगरी का है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका टेक चैनल है तो आप यहां पर क्लिक करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका कैटेगरी है। गेमिंग है तो गेमिंग सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब आपको थंबनेल लगाने के लिए यहां पर क्लिक करना है, देन यहां पे आपको कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है एंड आप आसानी से थंबनेल यहां पर लगा सकते हो, जो भी आपने थंबनेल बनाया हुआ है अपनी वीडियो के लिए। देन आपको डन पर क्लिक करना है एंड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंड अगर चैनल मोनेटाइज है तो मोनेटाइजेशन ऑन करके आप लोग आसानी से वीडियो को अपलोड कर सकते हो। विजिबिलिटी पर क्लिक करके, पब्लिक पर करके, एंड बस सेव पर क्लिक करना है, आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा। टाइटल टैग्स प्रॉपर डालने के बाद तभी पब्लिक करना। तो ये था पहला तरीका जिससे मैं पहले करता था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, इससे आपको गूगल क्रोम पर अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा जिस पे आपका यूट्यूब चैनल है। पहले तरीके में आपको यूट्यूब से वीडियो अपलोड करना पड़ता है, स्टूडियो में जाकर सब कुछ करना पड़ता है, और गूगल क्रोम से आप एक ही बार में सब कुछ कर सकते हो। मैं जैसे वीडियो को अपलोड करता हूं आपको बता देता हूं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है youtube.com, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको 3 लाइंस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हो जाएगा, लैपटॉप की तरह हो जाएगा। देन आप यहां पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर सकते हो। जिस मेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बनाया था वो वाला मेल आईडी आपको यहां पर
पर लॉगिन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वीडियो को अपलोड करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है, तो ये आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करके अपलोड वीडियो पर क्लिक करके रखना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्रीव्यू। तो आप प्रीव्यू पेज पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इसको ऊपर की साइड उठा देना एंड ये आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देन आपको सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल में जाकर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे टाइटल एंटर करना है। टाइटल जो भी आपकी वीडियो का होगा वो तो आप खुद ही लगाओगे। देन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपको नीचे की साइड थंबनेल का ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। आपको अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है। तो आपको अपनी वीडियो में जो भी थंबनेल एंटर करना है, जो भी थंबनेल लगाना है, वो थंबनेल आप यहाँ पर क्लिक करके आसानी से लगा सकते हो। अगर गलत लग जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप थंबनेल को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 lines का एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस थंबनेल को एंड चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को किसी प्लेलिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पे मैंने नो रखा था, यहाँ पे भी आपको नो ही रखना है। अगर किड्स के लिए है तो आप यस पर क्लिक करो। देन आपको शो मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपका पेड प्रमोशन है, आप स्पॉन्सर किया है किसी ब्रांड ने आपको ये वीडियो, तो आप यहां पर क्लिक करें। देन वहां पे इंक्लूड्स पेड प्रमोशन लिखा हुआ जाएगा आपकी वीडियो पर। देन आपको नीचे की साइड जाना है। यहां पे जाने के बाद आपको टैग्स लगाने हैं आपकी वीडियो से रिलेटेड। ये तो आपको पता ही होगा भाई, आपको टैग्स तो खुद लगाने हैं। अपने दिमाग से लगाओ, कैसे भी लगाओ, किसी वेबसाइट के थ्रू लगाओ। देन आपको वीडियो का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। वीडियो का लैंग्वेज है हिंदी। उसके बाद आपको नीचे की साइड चलना है। यहां पे आपको कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप कैटेगरी पे सिलेक्ट करके जो भी आपकी वीडियो का कैटेगरी है आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर है कि अगर आप Google Chrome से वीडियो को अपलोड करते हो तो यहां पे सारा का सारा काम एक बार में हो जाता है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करके मोनेटाइजेशन ऑन कर लेना है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको ऐड कार्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कार्ड ऐड करना है, जैसे आई बटन जिसे बोलते हैं, तो यहां पर क्लिक करके आप लोग आसानी से आई कार्ड लगा सकते हो। मतलब कोई भी वीडियो लगा सकते हो आई बटन में। जैसे मुझे यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई भी वीडियो यहाँ पर आई कार्ड में लगा सकता हूँ, या कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी वीडियो मैं आई कार्ड में एंटर कर सकता हूँ। देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ये आपका आई कार्ड लग जाएगा। और आप जो वीडियोस देखते हो, वीडियो के एंड में जो वीडियोस आते हैं एंड स्क्रीन बोलते हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करके लगा सकते हो। ये मैंने डेमो के लिए छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, इसलिए यहाँ पे मैं एंड स्क्रीन नहीं लगा सकते। आप एड पर क्लिक करके आसानी से लगा सकते हो। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको अपनी वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक करना है, तो यहां पर क्लिक करके पब्लिक कर दो, आपका वीडियो डायरेक्ट पब्लिक हो जाएगा। अगर आपको कुछ चेक करना है वापस से, तो अनलिस्टेड करके आप YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हो जाकर। तो मैं अभी इस वीडियो को अनलिस्टेड रखता हूँ एंड सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो वीडियो तो अपलोड हो चुका है, तो आप अपनी वीडियो में जो भी चेंज करना चाहते हो यहाँ से आसानी से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने आपके सामने ये वाला वीडियो अपलोड किया एंड मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आसानी से इस वीडियो में जो भी चेंज करना है वो कर सकता हूँ। आपको जो भी चेंज करना है चेंज करो, देन सेव पर क्लिक करो एंड यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से इस वीडियो को पब्लिक कर सकते हो। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। मैं आपको सही बताऊं, मैं कभी भी कोई सा भी तरीका यूज कर लेता हूं, बिकॉज दोनों तरीके सही हैं। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि गूगल क्रोम से अपलोड करो, यूट्यूब से अपलोड करने पर वीडियो रैंक नहीं करता, तो बिल्कुल गलत भाई, झूठ है ये। आप कहीं से भी वीडियो को अपलोड करो, बस अच्छे तरीके से वीडियो का SEO करो, कीवर्ड्स अच्छे लगाओ, तो भाई आपका वीडियो जरूर रैंक करेगा। अगर आपको यूट्यूब वीडियो का SEO करना नहीं आता, तो आप ये वाली वीडियो को देखो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।